मध्य प्रदेश में 31 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। जून से जनता कर्फ्यू में राहत मिलने के संकेत। उज्जैन को मेडिकल कॉलेज की सौगात शिवराज सिंह चौहान। उज्जैन सांसद के आग्रह पर मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी। ऑक्सीजन प्लांट भी लग सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दी। धर्मेंद्र प्रधान से बात करके उज्जैन की तराना में खुल सकता है ऑक्सीजन प्लांट। मध्य प्रदेश में 31 मई के बाद लॉकडाउन से राहत मिलने के संकेत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। शुरुआत उज्जैन से हो सकती है। बुधवार को उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कहा कि 31 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 1 जून से धीरे धीरे जिलों को खोला जाएगा। ये फैसला सिर्फ उज्जैन संभाग के लिए ही है। इस दौरान सीएम ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच समीक्षा बैठक के लिए उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने अफसरों को हेलीपैड पर स्वागत के लिए आने से मना कर दिया था। वह करीब 1:20 पर उज्जैन पहुंचे। सीएम ने बैठक में ब्लैक फंगस को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, ब्लैक फंगस के इलाज के उपयोग होने वाली दवाओं का इंतजाम सरकार कर रही है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सरकार मुफ्त करवाएगी। उज्जैन आलोट से सांसद अनिल फिरोजिया के आग्रह पर सीएम ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन संभाग के जिला विकास खंड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना मुक्त गांव, कोरोना मुक्त वार्ड, कोरोना मुक्त शहर बनाना है। 31 मई तक 11 दिन कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाए। उज्जैन पहुंचे सीएम ने बृहस्पति भवन में वीसी के जरिए कोरोना को लेकर ब्लॉक और ग्रामीण स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और आम जनता से संवाद किया। वहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि कोरोना नियंत्रण में रहा तो जून में शहर खोलना शुरू किए जाएंगे। सीमित संख्या में विवाह समारोह की अनुमति दी जाएगी। तीसरी लहर की तैयारी करनी है। ये लहर छोटी आए या फिर बड़ी, अभी से तैयारी कर ले। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ा है, संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार कमी आई है। सीएम ने कलेक्टर को कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों और बेसहारा हुए परिवारों की सूची जल्द बनाने के निर्देश भी दिए। तिवड़ा उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन, महितपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान, सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद रहे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और उज्जैन संभाग के आईजी योगेश देशमुख भी उपस्थित रहे। उज्जैन संभागीय मुख्यालय है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमने फैसला किया कि हम मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उज्जैन में भी, और बाकी सारी चीज़ें आपके पास अभी भेज रहे हैं। अब वो बहुत लंबी हुई है, तो बाकी सारी चीज़ें आपके पास भेज रहे हैं। देखिए, कोरोना बहुत कठिन बीमारी है, और ऐसी कठिन बीमारी में चूँकि हमको मालूम है कि नीचे गाँव तक कोरोना की मार बची है, और इस मार के कारण से पिछली बार तो कोरोना की फर्स्ट लेयर में भारत की नहीं तो दुनिया की एक छोटे से 6 लाख के आबादी वाले ज़िले में जितनी मौत हुई थी वो बहुत डरावनी थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वयं ने समीक्षा की। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे, और यही कारण है कि आज हम अपनी सिंगल डिजिट में आज कोरोना की पॉजिटिव दर को लेकर आए हैं। मैं आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, पंचायतवार, ब्लॉकवार, ब्लॉक के विधायकों से बात की, सभी दलों के लोगों से बात की, और जिस प्रकार से मोटिवेशन किया है, मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी बारीक निगाह के कारण से पूरा प्रशासनिक अमला सब प्रकार से चाक चौबंद होकर के लगातार इस अभियान में लगेगा, और निश्चित रूप से 31 तारीख के बाद इसके लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे संभाग की समीक्षा के साथ उज्जैन को मेडिकल कॉलेज देने की जो घोषणा की है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। और उज्जैन में चूंकि 1000 बेड का हमारा हॉस्पिटल मौजूद है, मैं हमारे अपने माननीय विधायक पारस जी जैन साहब, माननीय सांसद अनिल जी, माननीय दोनों जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी और विवेक जोशी जी को बधाई देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन की समीक्षा के साथ उज्जैन की जनता की जो आवाज़ थी उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया, और ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है।